गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में हम जो है सिलेबस में पढ़ाएंगे आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको हम लोग शॉर्ट में एमईडी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चीज के लिए किताब कौन सा चलेगा हमारा, जो सेकेंड सेम में था एनडी भट्ट वो तो रहेगा ही, ठीक है। और दूसरा एक आता है मशीन ड्राइंग, ये भी रहेगा हमारा एनडी भट्ट का ही, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मशीन ड्राइंग क्यों जरूरी है पढ़ना, ठीक है। तो मशीन ड्राइंग में हम लोग मशीन के पार्ट्स को जानेंगे, उसको कैसे फिट करना है दूसरे से, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। अगर ये सारा चीज हम लोग को मशीन का पार्ट्स डिटेल्स सब मालूम रहेगा तो हम लोग तभी मशीन को ऑपरेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इसमें लेथ मशीन भी हो सकता है, मिलिंग मशीन भी हो सकता है, ड्रिलिंग जिग है, बहुत सारे मशीन है जिसका हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, उसका ड्राइंग बनाएंगे और उसका क्या यूज है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिलेबस लिखे हैं सिलेबस में कि कौन कौन चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा ऑक्सिलरी व्यूज, दूसरा चैप्टर है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स, तीसरा चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। तो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस को हम लोग सेकेंड सेम में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थर्ड सेम में दिया है पढ़ने के लिए, तो हम लोग इसमें थोड़ा और डीप में जाएंगे। जैसे कि हम लोग इसमें क्यूब नहीं बनाए थे, क्यूब का सब डेवलपमेंट नहीं किए थे, और यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट में एप्लीकेशन को भी देखेंगे कि ट्रे कैसे बनता है, पाइप कैसे जनरेट बनता है, ठीक है। और उसके बाद है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी मशीन के पार्ट्स हो गया या और कोई भी डिटेल्स को हम लोग उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, तो लिमिट फिट एंड टॉलरेंस क्या होता है, तो ये हम लोग जब प्रोडक्शन कराएंगे पार्ट्स का प्रोडक्शन होगा तो उसमें लिमिट फिट एंड टॉलरेंस आएगा कि हम इस हमको 2 mm का बना रहे हैं, मान लिए बोल्ट डायमीटर का, तो हम लोग कितना तक अपर लिमिट कितना तक लोअर लिमिट होगा, इस तरह से हम लोग उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये कोई ड्राइंग नहीं है, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस ये हमारा डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक है कि किसी भी मशीन के पार्ट्स को जब हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे होंगे तो उसका लिमिट क्या होगा, फिट क्या होगा, कितना टॉलरेबल होगा, उसको हम लोग इसमें देखेंगे लिमिट फिट एंड टॉलरेंस में। फिर है डिटेल्स टू असेंबली, छठा में है डिटेल्स टू असेंबली। तो डिटेल्स टू असेंबली में क्या करेंगे हम लोग को डिटेल्स टू असेंबली, और एक सातवां में है असेंबली टू डिटेल्स। तो डिटेल्स टू असेंबली में है कि डिटेल्स से हमको असेंबल करना है, इसका मतलब है मशीन के डिफरेंट पार्ट्स हमें मालूम रहेगा, छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए रहेगा, उसका हम लोग जब फिट कर करके असेंबल तैयार कर लेंगे, मशीन को तैयार कर लेना है फ्रंट व्यू टॉप व्यू को, तो उसको हम लोग डिटेल्स टू असेंबली कहेंगे। यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन अलग अलग करके दिया हुआ है, उसको हम एडजस्ट करके वन पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा डिटेल्स टू असेंबली कहलाएगा। और सातवां है असेंबली टू डिटेल्स, मशीन का एक पार्ट मशीन पूरा मशीन दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स में जो हम अलग अलग करेंगे तो उस अलग अलग करने को ही हम लोग कहेंगे असेंबली टू डिटेल्स, यानी असेंबल पार्ट को छांट
करके अलग करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग असेंबली टू डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक नया ये चैप्टर होगा, इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड क्या है कि दो सॉलिड को हम लोग इंटरसेक्ट कराएंगे, तो इंटरसेक्ट कराने पे वो सॉलिड का शेप कैसा दिखेगा, उसका टॉप व्यू में क्या फॉर्मेशन होगा, फ्रंट व्यू में क्या फॉर्मेशन होगा, और इसमें साइड व्यू तो काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें साइड व्यू को बनाना जरूरी रहेगा, तभी हम लोग इसका टॉप ऑफ फ्रंट को बना पाएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में हम जैसे सिलेंडर में सिलेंडर को घुसा सकते हैं, सिलेंडर में कोन को घुसाएंगे या कोन में सिलेंडर को घुसाएंगे, प्रिज्म में प्रिज्म को कैसे इंसर्ट कराएंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स में। और अभी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग को सिलेबस के हिसाब से पहला चैप्टर ऑक्सिलियरी व्यू। तो ये चीज सभी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा ड्राइंग क्लियर होना चाहिए, और अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। फिर भी हम कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो कुछ हम सेकेंड सेमेस्टर को इनिशिएट कर देंगे, तभी स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आए चैप्टर। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलियरी व्यू से, पहला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं आज हम ऑक्सिलियरी व्यू। हम लोग आज एबीडी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सिलियरी व्यू। ऑक्सिलियरी व्यू में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे, पहले थ्योरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हमारा इसका ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले है प्रोफाइल प्लेन और दूसरा है ऑब्लिक प्लेन। तो ये दो प्लेन के बारे में हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं। तो कहता है दो प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी आर नोन एज प्रोफाइल प्लेन। ऐसा प्लेन जो एचपी और वीपी दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग प्रोफाइल प्लेन कहेंगे। देखिए, ये बोर्ड हमारा वीपी है और ये हमारा एचपी, और ये हमें कोई प्लेन मान ले रहे हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार रखते हैं। तो ये वीपी से भी परपेंडिकुलर और एचपी से, दोनों से परपेंडिकुलर है, इसलिए ये प्लेन हमारा जो होगा प्रोफाइल प्लेन होगा। अब दूसरा है ऑब्लिक प्लेन, तो ये एचपी और वीपी दोनों से परपेंडिकुलर था, और ये जो है एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है। तो दोनों से इंक्लाइंड कैसे करेंगे, देखिए ये वीपी और ये एचपी, इसको हम इस प्रकार रख दिए, तो वीपी से भी इंक्लाइंड और एचपी से भी इंक्लाइंड, या हम लोग इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, दोनों से इंक्लाइंड, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑब्लिक प्लेन कहेंगे। अब तीसरा जो हमारा ये इस चैप्टर से जो रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से है ऑक्सिलियरी प्लेन। तो देखिए, ये वीपी हमारा और एचपी हमारा दो प्लेन जो होता है वो उसको हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो कहता है ऑक्सिलियरी प्लेन क्या है, तो दो प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन एंड इंक्लाइन टू द अदर। ऐसा प्लेन जो किसी एक के साथ परपेंडिकुलर हो और दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो तो उसको हम लोग ऑक्सिलियरी प्लेन कहते हैं। देखिए, ये एचपी प्रिंसिपल प्लेन, ये वीपी प्रिंसिपल प्लेन, इसको हम इस तरह से रखते हैं, एचपी के साथ परपेंडिकुलर तो वीपी से इंक्लाइंड, देखिए, या इस प्रकार इधर रखते हैं एचपी से परपेंडिकुलर वीपी से इंक्लाइंड, तो ये हमारा ऑक्सिलियरी प्लेन कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक के साथ परपेंडिकुलर है दूसरे से इंक्लाइन, या फिर हम इसको इस प्रकार रखते हैं, देखिए वीपी से परपेंडिकुलर और एचपी से इंक्लाइन, फिर भी ये हमारा ऑक्सिलियरी प्लेन होगा। तो ऑक्सिलियरी प्लेन दो प्रकार के हैं कि मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो पहला है
ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन और दूसरा है ऑक्सिलियरी इंक्लाइन प्लेन। तो ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन को हम लोग शॉर्ट में जानेंगे एबीपी और ऑक्सिलियरी इंक्लाइन प्लेन को हम लोग शॉर्ट में जानेंगे एआईपी। तो एबीपी क्या है, दो ऑक्सिलियरी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन टू बीपी आर नोन एज ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन। देखिए ये एचपी के साथ परपेंडिकुलर और बीपी के साथ इंक्लाइंड है, इसलिए इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन। और इस प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलियरी फ्रंट व्यू। द प्रोजेक्शन ऑन एन एबीपी इज नोन एज ऑक्सिलियरी फ्रंट व्यू। इसका मतलब इस प्लेन पे जो हमारा कोई भी प्रोजेक्शन बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलियरी फ्रंट व्यूज। अब जस्ट इसके रिवर्स में आते हैं ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन। तो ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन क्या है, ऐसा ऑक्सिलियरी प्लेन जो बीपी के साथ परपेंडिकुलर होगा और एचपी से इंक्लाइंड होगा, तो उसको हम लोग ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। तो सिमिलरली जब ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई प्रोजेक्शन बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलियरी टॉप व्यू। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दो ऑक्सिलियरी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी आर नोन एज ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन। फिर कहता है कि द प्रोजेक्शन ऑन एन एआईपी नोन एज ऑक्सिलियरी टॉप व्यू। यानी कि ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बनेगा उसको हम लोग ऑक्सिलियरी टॉप व्यू कहेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सिलियरी व्यू पे ड्राइंग देखेंगे। लगभग थ्योरी समाप्त हुआ, ठीक है। अब इसके ड्राइंग को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।